हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कन्वर्सेशन कैसे करते हैं इंग्लिश में। बस ये तरीका समझ लीजिए आप और आप कन्वर्सेशन करना सीख जाओगे किसी भी चैप्टर में, ठीक है। तो बस आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लो ए और बी आपस में बात कैसे करेंगे। मैंने जो आपको लास्ट चैप्टर पढ़ाया था यूज़ ऑफ इज एम आर, मैं उस चैप्टर्स को लेकर आपको ये कन्वर्सेशन कराने वाला हूँ। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा पहली क्लास, तो सबसे पहले आप उसे देखिए, फिर आप इस क्लास को देखिए, तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, किस तरीके से आपको कन्वर्सेशन करनी है, फिर आपके डाउट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ए और बी, ए बोलेगा बी से आर यू अ प्लेयर, आर यू अ प्लेयर, क्या तुम एक खिलाड़ी हो, ठीक है। तो बी जवाब क्या देगा, बी ए को जवाब दे देगा, या तो यस बोल देगा यस आई एम अ प्लेयर, ठीक है, या तो मना कर देगा। दो ही चीजें होंगी, आई एम नॉट अ प्लेयर, ठीक है। चाहो तो आप बस यस यस भी बोल सकते हो, नो भी बोल सकते हो, आप लगाओ यस और नो को। ये अगर पूरा सेंटेंस बोलो तो आप यस नो मत लगाओ, जब यस और नो ही करना हो, ठीक है। तो मतलब यस तो नो, मैंने कई लोग बोल भी देते हैं, हाँ आर यू प्लेयर यस, बस इतना छोड़ के बोल, इतना छोड़ देते हैं, ठीक है। आर यू प्लेयर नो, बस इतना ही कर देते हैं, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस बोलना है, ठीक है। तो ये है अभी यस और नो वाली कन्वर्सेशन। अगर वो यस बोलता है, तो अगर वो यस बोलता है आई एम अ प्लेयर, तो आपको क्या करना है। अगर वो मना करता है तो आपको क्या करना है, पहले मान लीजिए उसने मना कर दिया, ठीक है, उसने मना कर दिया, तो आपको तुरंत उससे पूछ लेना है देन व्हाट आर यू, तो फिर तुम क्या हो, ठीक है। वो बोल देगा आई एम अ स्टूडेंट, तो अच्छा तुम स्टूडेंट हो, तो फिर आपकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी। तो अभी मैं आपको यस वाली कन्वर्सेशन बता रहा हूँ, क्योंकि जब सामने वाला आपसे देन व्हाट आर यू करके बोलेगा, वो बोल देगा आई एम स्टूडेंट, तभी भी यस से ही कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। तो जब मैं नेगेटिव चीज, जब नेगेटिव में आंसर आएगा, तो मैंने ये उसके लिए बताया, लेकिन अभी आप यस वाली कन्वर्सेशन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसका रोल बच नहीं सकता। अब यस वाली, उन्होंने बोला कि यस आई एम अ प्लेयर, ठीक है। तो आप उससे, अब ये तो हो गई हमारी दो जनों की बात, ठीक है। अब दो जनों की बात तो आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम करेंगे इसी में, हम इसी कन्वर्सेशन में हम तीन जने को ऐड करेंगे। तीन जने कैसे, ए बोलेगा बी से, किसके लिए, सी के लिए। क्या बोलेगा, इज ही अ प्लेयर, मतलब कि मैंने बोला आपसे, मान लो मैं ए हूँ और आप बी हो, मैं ए हूँ और आप बी हो, हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बोलूँगा इज ही अ प्लेयर, ठीक है, इज ही अ प्लेयर, मतलब वो अकेला है, क्या वह एक खिलाड़ी है, तो क्या हो गया इज ही अ प्लेयर। तो अब क्या होगा, बी सी से पूछेगा, मैंने आपसे पूछा इज ही अ प्लेयर, मेरी बात आप तक पहुँच गई। अब आप उससे पूछोगे, आप बी हो और वो सी है, तो आप पूछोगे उससे आर यू अ प्लेयर, मतलब बी सी से पूछेगा आर यू अ प्लेयर, ठीक है। बी ने सी से पूछा आर यू अ प्लेयर, सी बी को जवाब देगा, सी बी को जवाब देगा, सी बी को क्या जवाब दे सकता है, उसके पास भी दो ही जवाब होंगे, यस या नो में,
यस और नो तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। यहां पर मान लो उसने एक आंसर दिया, उसने बोल दिया यस आई एम अ प्लेयर, उसने बोल दिया यस आई एम अ प्लेयर, हाँ मैं एक खिलाड़ी हूं, ठीक है। अब सी ने बी को बोल दिया, सी के बाद बी तक आ गई। अब क्वेश्चन किसने पूछा था? ए ने पूछा था, हाँ जी मैंने पूछा था आपसे, अब आप मुझे जवाब दोगे, मतलब बी ए को जवाब देगा। बी ए को क्या जवाब देगा? बी ए को बोलेगा यस ही इज अ, यस ही इज अ प्लेयर, ठीक है। यस ही इज अ प्लेयर, अगर वो मना करता आई एम नॉट अ प्लेयर तो आप बोलते नो ही इज नॉट अ प्लेयर। अभी उसने क्या बोला? आई एम अ प्लेयर, तो आपने मुझसे बोला यस ही इज अ प्लेयर, तो क्या हो गया? बी ने ए को जवाब दे दिया यस ही इज अ प्लेयर, मतलब आपने मुझे जवाब दे दिया, बी ने ए को जवाब दे दिया। अब क्या होगा? अब ए को जवाब मिल गया बी से, बी बोल देगा यहां पर थैंक यू, ठीक है। तो मतलब अब उसने बोल दिया थैंक यू, ठीक है। और आप ये भी बोल सकता है, अब आप इस तरीके से बोल सकते हो नाउ इट्स योर टर्न, मतलब अब आपकी बारी है, या फिर इट्स योर टर्न नाउ। आप ऐसा करना जब पूरी कन्वर्सेशन हो जाए, तो जैसे मैं ए था आप बी थे वो सी था, अब आप ए बन जाना, वो बी जो सी था वो बी बन जाएगा और जो ए था वो सी बन जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान से कन्वर्सेशन करना। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट्स है इस चैप्टर को लेकर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, मैं आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियो लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।